टोटल आज गुलबर्ग के किसान आज आत्महत्या करने की नौबत आई है। आज पूरे गुलबर्गा जिले के किसान घर से बेघर हो गए। 2 से 3 हजार हेक्टर इंडस्ट्रियल वालों का उनका कर्जा माफ करती है, किसानों का कर्जा माफ नहीं करती और किसानों की मदद करने सरकार आगे नहीं आती। आज एक एकड़ को एक आधा क्विंटल भी नहीं आने की नौबत आई है। साइक्लोन होने दो या बारिश ज्यादा होने से आज किसानों को फसल नहीं आ रही है। This video present by Raidan Multi Cuisine Restaurant, variety of traditional foods, Arabian, Turkish, Middle East, grand interior, genuine spices, hygienic kitchen, address Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarga. इस तरह संपूर्ण इंश्योरेंस कोल्लारदा राज्य सरकार के दिखे। इस तरह संपूर्ण इंश्योरेंस कोल्लारदा मुंबई सरकार के दिखे। इस बड़े घर का होरंट के मर्दा इंश्योरेंस पट्टा मुंबई सरकार के दिखे। ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆಜ್ ಜೋ ತುವರ್ ಪಿಕಾತೆ ಹೇ ವೋ ಕಿಸಾನೋಕೋ ಆಜ್ ಬಹುತ್ ಬಡಿ ಆಜ್ ವೋ ಲೋಗೋಕೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೇ ವೋ ಕಿಸ್ ವಜಹ ಸೇ ಬಾರಿಶ್ ಜ್ಯಾದಾ ಹೋಕೆ साइक्लोन होके जो लोग किसान जो हमारे गुलबर्गा ज़िले में जो यहाँ पे तोगरी नाडू बोलते आज वो लोगों को आज एक एकड़ को एक आधा कुंटल भी नहीं आने की नौबत आई है। वो इस वजह से कि जो आज ये साइक्लोन होने दो या बारिश ज़्यादा होने से आज किसानों को फसल नहीं आ रही है। ये 2 साल हुआ उसके लिए आज हम सरकार से एक अपील करते हैं, उनसे एक गुजारिश करते हैं, आने वाले दिनों में आप लोग किसानों को अगर मदद करेंगे, किसानों का अगर हाथ पकड़ेंगे तो आप लोगों का जो इलेक्शन में जो आप बहुत बड़े बड़े घोषणा दिए हैं वो घोषणा बच जाता है। उसके लिए आज पूरे गुलबर्गा ज़िले के किसान घर से बेघर हो गए हैं, क्योंकि फसल मेन क्या है, गुलबर्गा ज़िले की मेन फसल तुअर है। आज तुअर ही लॉस होने के बाद ये फाइनेंशियली क्रॉप है, ये अगर फाइनेंशियली क्रॉप अगर हो गया तो टोटल आज गुलबर्गा के किसान आज आत्महत्या करने की नौबत आई है। सालाना किसान गुलबर्गा में होने दो या पूरे इंडिया में करीब 1 लाख के ऊपर किसान आत्महत्या कर रहा है, फिर भी आज सरकार जाग नहीं रही है। वो सिर्फ सरमाएदारों को हेल्प करना चाहती है, सरमाएदारों को उनका हाथ पकड़ना चाहती है, इंडस्ट्रियल वालों का उनका कर्जा माफ़ करती है, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं करती और किसानों की मदद करने सरकार आगे नहीं आती। उसके लिए कर्नाटक की सरकार, केंद्र की सरकार से हम अपील करते हैं, किसान लोग जहाँ यहाँ पे गुलबर्गा ज़िले में जो तुअर है, जो लॉस हुआ है साइक्लोन इफेक्ट से हुआ है, उसके लिए प्रति एकड़ पर एकड़ 15,000 रुपये मुआवजा देना और देके आने वाले दिनों में ये सरकार, ये किस वजह से हो रहा, क्या ये साइक्लोन के वजह से हो रहा या इसमें जो मिट्टी का खराब है, ये सरकार का काम है। ये सब टेस्ट करके किसानों को एक मार्गदर्शन देना। बोलते हैं सरकार किसान के लिए, हम सरकार है किसान के फायदे के लिए सरकार है, डबल मुनाफा अगर कमाइए बोल के सरकार बोलते थे, लेकिन डबल नहीं है, सिंगल भी नहीं है। जो आने वाला था वो कि किसानों का जो तुअर का फसल वो पूरा लॉस हुआ है, उसके लिए हम सरकार से विनती करते हैं आने वाले दिनों में कि किसानों का आप लोग मदद करें, आप लोग उनका हाथ पकड़े, आने वाले दिनों में जो आप बोले थे उस घोषणा को बचा लिए। हम आज पूरे गुलबर्गा ज़िले के तुअर फसल के जो है लोग हैं, किसान हैं, आप लोगों से विनती करते हैं। करीब मेरा जानता है करीब 2 से 3 हजार हेक्टर, एकड़ नहीं, 2 से 3 हजार हेक्टर पूरा गुलबर्गा ज़िले में, उसमें सबसे ज़्यादा चीतापुर तालुका, चिंचोली तालुका और गुलबर्गा ग्रामीण आधा पूरा लॉस हुआ है। 35 से 40% दिया है, 60% लोगों को, किसानों को नहीं दिया। सरकार बोलती है कि 100% दिए, ये गलत बात है। और हम लोग जो इंश्योरेंस बंधे वो इंश्योरेंस 15 डेज होने के बाद जो इंश्योरेंस वाले हैं वहाँ पे आके GPS करना चाहिए, लेकिन सरकार अभी तक नहीं है। एक एकड़ को 15,000 मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि हमारे एक एकड़ को 5 से 6 थैला ये ट्रैप का ये आउटपुट होता था, तो एक हिसाब से 6,000 बोले तो 30,000 पकड़ लिए हम एक एकड़ को, हम आधा पकड़े हैं। उसके लिए 15,000 एक एकड़ को देने की हम सरकार को अपील करें।